पर्चे की दृष्टि से मैं कुंवर अजय तोमर प्रदेश अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड एवं याचिकाकर्ता ताजमहल तेजोमाला केस। देखिए, आज आप दीवानी माए हैं। आपकी याचिका जो आपने दाखिल करी है, उसमें कोर्ट में आज क्या आपने दाखिल किया? देखिए, याचिका पर हमारी 16 अगस्त 2024 को सुनवाई है। 23 को हमने जो है 23 जुलाई को याचिका दायर की थी। आज लघुवाद न्यायालय में हमने अपने अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है कि एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए। जो जो पहलू, जो जो बिंदु, जो जो साक्ष्य हमने अदालत में प्रस्तुत किए हैं, उन पर जांच कराई जाए, कोर्ट कमिश्नर जो है नियुक्त किया जाए। जैसे उसमें कमल का फूल है फ्रंट गेट पे, आम के पेड़ की पत्तियां हैं, कलश है, नारियल है, त्रिशूल है, चंद्रमा का आकार है, 108 कलश हैं, वो जो ताजमहल तेजोमाला का जो परिसर है, उन सारे बिंदुओं की जांच की जाए। जांच में ये सामने आएगा कि वाकई में ये हिंदू मंदिर है, हिंदू शैली से बना हुआ मंदिर है, हड़पा गया एक मंदिर है, ये ताजमहल कोई मकबरा नहीं है, ये मंदिर है, ये उससे पता चल जाएगा। इसकी हमने मांग की है। हमारे अधिवक्ता ने बहस की, सुनवाई हुई, आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है न्यायाधीश द्वारा मृत्युंजय श्रीवास्तव जी की अदालत में। बाकी क्या आदेश होता है शाम तक, क्या जो है कल तक पता चल जाएगा। 16 तारीख को सुनवाई से पहले हम आशा करते हैं, न्यायालय से उम्मीद है हमें, कि हमें जलाभिषेक की, दुग्धाभिषेक की अनुमति मिलेगी और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मेरे भक्त वहां पर आए और मेरा जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें। तो आशा है कि हमें 16 तारीख की जो 16 को हमारी सुनवाई होनी है, हमें उसमें आदेश मिले, ऐसी आशा हम करते हैं। भगवान की कृपा से हमें उम्मीद है।